प्रदेश भर में इस बार 1 अप्रैल को सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव एक तरह से त्योहार की तरह मनाया जाएगा। इस दिन स्कूल की SMC नए बच्चों के दाखिले पर उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत करेंगी, साथ ही उन्हें पौधे भी वितरित करेगी। स्कूल मुखिया महिपाल शर्मा ने कहा कि विभाग के दिशा निर्देश मिल चुके हैं। शर्मा ने बताया कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी स्कूल की दीवार पर लगाई गई है। अभिभावक साक्षी खन्ना ने बताया कि सरकारी स्कूलों में ज्यादा सुविधा प्राइवेट स्कूलों में देते हैं, इसलिए अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की ओर जाते हैं। उन्होंने कहा, पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे को हर एक वो फैसिलिटी मिलती है जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को नहीं मिल पाती है। आजकल प्राइवेट स्कूलों में हर एक इंडिविजुअल बच्चों पर ध्यान दिया जाता है, उन्हें हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है, उनकी स्ट्रेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं रखी जाती कि जिससे बच्चे का ध्यान नहीं दिया जाए। और वहीं गवर्नमेंट स्कूलों में हर एक क्लास में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि टीचर हर एक बच्चे पर इंडिविजुअल ध्यान नहीं दे पाता। पहले के कंपेयर करें तो गवर्नमेंट स्कूलों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, बट स्टिल प्राइवेट स्कूल्स से ज़्यादा फैसिलिटी वहाँ नहीं। अगर सरकारी स्कूल बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाएं तो अभिभावक सरकारी स्कूलों में ही बच्चों को दाखिला करवाएंगे। वहीं भिवानी के खंड शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने कहा कि सभी स्कूलों को निर्देश दे दिए गए हैं। बीओ ने बताया कि सभी सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए किताबें भी लिए। भिवानी से सरदार किशन सिंह के साथ दीपक मुटरेजा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि बच्चों के पास सत्र शुरू होने से पहले ही किताबें आ चुकी हैं स्कूलों के अंदर, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पहले दिन ही बच्चा अपनी किताबों को लेकर वो विद्यालय में जाएगा और पहले दिन से ही उसका जो शिक्षा सत्र है वो शुरू हो जाएगा। और जो इस पर प्रयास किए जा रहे हैं नए बच्चों को लेने के लिए, उनके लिए भी जो है हम परसों जो है उनका वेलकम करेंगे स्कूल गेट के ऊपर SMC की सहायता से, कि जो भी बच्चा नया एडमिशन ले रहा है उसको फूल मालाओं के द्वारा या अन्य बुके के द्वारा उसका हम स्वागत करें, उसको एक पौधा देके भी हम सम्मानित करेंगे कि वो बच्चा अगर महाविद्यालय में जगह नहीं है तो वो कहीं अपनी च्वाइस की जगह पर भी लगा सकता है। स्कूलों में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन इतनी भी कमियां नहीं है जितना कि प्रचार है कि बहुत अच्छी फैकल्टीज है हमारे पास, टीचर्स भी हैं, पढ़ाने वाले भी हैं, लेकिन एक लोगों का जो रुझान है उसको बदलने का एक प्रयास है जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। विद्यार्थियों के लिए 1 अप्रैल से 15 मई तक कैचअप प्रोग्राम की भी व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत 6 सप्ताहों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को बांटा गया है, जिसके अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थियों का लर्निंग लेवल जांच के और उसको निर्धारित करके विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाएंगे और उनके लर्निंग लेवल को ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगे। प्राइवेट विद्यालयों का जो एक प्रोपगेंडा है, एक रणनीति है, जिसके अंतर्गत वो विभिन्न प्रकार से लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं और लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। इस वजह से ज्यादातर अभिभावक उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में भेज देते हैं, लेकिन अब पूर्ण प्रयास किया जा रहा है सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा भी, और वो प्रयास कर रहे हैं कि वो भी प्राइवेट स्कूलों की तरह रणनीति अपना के ज्यादा से ज्यादा नामांकन की सुविधा नामांकन बढ़ा सके।